हेलो गाइस, वेलकम। और आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 12th क्लास के जो होने वाले थे वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं। और पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए ये डिसीजन कई हद तक सही भी है, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है 12th के एग्जाम्स, और सीबीएसई ने वो कैंसिल कर दिए हैं। तो एक तरीके से इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा और एक तरीके से थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा स्टूडेंट्स की लाइफ पे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया है कि सीबीएसई 12th बोर्ड के एग्जाम अब नहीं होंगे, और ये अच्छी खबर है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि बोर्ड एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है। तो इसीलिए पीएम मोदी ने एक मीटिंग मिलाकर, ऑफिशियल मीटिंग बुलाकर ये डिसीजन लिया है कि ये एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। इससे पहले स्टूडेंट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की थी कि पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पास करने का क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे उनको सिर्फ प्रमोट किया जाएगा या फिर उनको पुराने बेसिस पे रिजल्ट दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। तो अगर बात करते हैं आईबीएसई बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड जो है हमारा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी राजस्थान बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। बेसब्री से लाखों स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि आईबीएसई बोर्ड का क्या होगा, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। तो पहले आईबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल न्यूज थी वो आने वाली थी 1 तारीख को, बट उसे पोस्टपोन कर दिया गया 3 तारीख को। तो हो सकता है आईबीएसई बोर्ड भी इसका इंतजार कर रही थी कि सेंट्रल बोर्ड क्या डिसीजन लेती है, उसको देखते हुए हम अपना डिसीजन लेंगे। तो हमें लगता है, हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड को देखते हुए, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, तो आईबीएसई बोर्ड भी एग्जाम्स को कैंसिल कर दें। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो चुका है, बट अब 2 दिन और है, आरबीएसई स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए क्या न्यूज आती है। और मैं विश करूंगी कि उनके लिए भी एक अच्छी ही न्यूज आए रिगार्डिंग दी एग्जाम्स, और मे भी उनके भी एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।